भाई लोग ग्लोबल T20 कनाडा का जो मैच नंबर 16 है ना, इसमें ब्रैम्पटन वॉल के सामने होगा सरे जगुआर्स। अगर हम यहाँ पे ब्रैम्पटन वॉल्स या सरे जगुआर्स की बात करें तो दोनों ही टीमें बढ़िया परफॉर्मेंस कर रही हैं, प्ले ऑफ के दौड़ में बनी हुई हैं। लेकिन आपको पता है ना, जो टीम यह मैच जीतेगी वो तो आगे जाएगी, दूसरी टीम को लात मार के ना पीछे धक्का दे देगी। तो दोनों टीमें चाहेगी भैया आगे तो जाना है और दूसरी टीम को पीछे लात मार के धक्का भी देना है ताकि वो पीछे रह जाए। तो दोनों टीमों के लिए जो मैच है ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कौन सी टीम यह मैच जीतेगी, अगर आप ये जानना चाहते तो ये जो वीडियो है ना वो आपके लिए, बस आपको करना क्या है पूरी वीडियो बिना स्किप करे हुए देखनी है। तो चलो फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम इस मैच की बात करें, ट्यूजडे 1 अगस्त इंडिया टाइम अनुसार 8:30 PM से आप इसका लाइव एक्शन देख सकते हो। यह मुकाबला खेला जाएगा CAA सेंटर ब्रैम्पटन ओंटारियो के मैदान पे। पिच रिपोर्ट के बारे में हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि जो मैच नंबर 16 है ना वो भी इसी मैदान पे खेला जा रहा है। और उस मैच की वीडियो में मैंने पिच रिपोर्ट के बारे में सब कुछ बता रखा, जिन लोगों ने वो वीडियो देखी उनको सब कुछ पता होगा। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप देख लें, आपको सारी चीज़ें पता चल जाएगी। अगर हम यहाँ के मैदान पे दोनों टीमों की परफॉर्मेंस की बात करें तो ब्रैम्पटन वॉल्स ने यहाँ के मैदान पे 10 मैच खेला, 10 मैच में से 6 मैच जीता, 4 मैच हार गए। यानी ब्रैम्पटन वॉल्स की जो परफॉर्मेंस होती है यहाँ के मैदान पे वो ठीक ठाक होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा जबरदस्त या आउटस्टैंडिंग नहीं बोलेंगे। सरे जगुआर्स की बात करें तो इन्होंने यहाँ के मैदान पे 3 मैच खेला, 3 मैच में से 2 जीता 1 हारा। तो यानी जो सरे जगुआर्स की टीम है ना वो भी यहाँ के मैदान पे बढ़िया परफॉर्मेंस कर रही है। और दोस्तों ब्रैम्पटन वॉल्स के सामने सरे जगुआर्स यहाँ के मैदान पे पहली बार मैच खेलेगा। जब पहली बार खेलेगा तो कौन सी टीम क्या कर पाएगी, चलो जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे ब्रैम्पटन वॉल्स की। तो भाई लोग जो ब्रैम्पटन वॉल्स की बल्लेबाजी है ना ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं चल रही। उस्मान खान ओपन करने आते हैं ये तो बढ़िया कर रहे हैं, एक मैच में चलते हैं, एक आता मैच में फ्लॉप हुए, बाकी सभी मैचों में बढ़िया बल्लेबाजी करी। लेकिन जो इनके जोड़ीदार हैं, 1-2 मैच से मैक्स ओडोड खेल रहे हैं, ये भी नहीं चल पा रहे। उससे पहले जो भी इनके साथ खेलता था वो भी नहीं चल पा रहा था, मतलब जो इनकी ओपनिंग जोड़ी है वो आधी अधूरी कहानी है। मार्क चैपमैन की बात करें तो बस 1 मैच में बढ़िया पारी आई, बाकी सभी मैचों में फ्लॉप। सेम कहानी हुसैन तलात की, 1 मैच में बढ़िया बल्लेबाजी करी, बाकी के सभी मैचों में ये भी फ्लॉप रहे। कोलिन डी होम की बात करते इन्होंने भी 1 मैच में बढ़िया बल्लेबाजी करी, बाकी सभी मैचों में फ्लॉप। सेम कहानी रिजवान चीमा की, 1 मैच में बढ़िया बल्लेबाजी करी, बाकी सभी मैचों में फ्लॉप। तो आप देख सकते हैं ना, उस्मान खान को हटा दिया जाए तो बाकी के जो बल्लेबाज हैं एक आता मैच में चल रहे हैं, बाकी सभी मैचों में फ्लॉप हो जा रहे हैं। लेकिन फिर भी ये मैचेस जीत रहे हैं, क्यों, क्योंकि जो इनकी गेंदबाजी है ना वो काफी ज्यादा जबरदस्त चल रही है। खास करके लोगन वन बी क्या जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं, मतलब सभी मैचों में आते हैं, जबरदस्त गेंदबाजी करते हैं, विकेट पे विकेट निकालते हैं और थोड़ा सा रन भी नहीं देते। और इनका साथ देते कप्तान टीम सऊदी, ये भी काफी ज्यादा बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं, विकेट निकाल रहे। शाहिद अहमद जई भी बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, सभी मैचों में इन्होंने भी विकेट निकाले। क्रिस ग्रीन की बात करें तो ये किफायती भी हो रहे हैं और विकेट भी निकाल रहे हैं। हालांकि जो इनका 5वां गेंदबाज है जेरेमी गोर्डन वो थोड़ा सा फ्लॉप हो जाता है, लेकिन इनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता, क्योंकि किसी मैच में हुसैन तलात आके ऑलराउंडर परफॉर्मेंस कर देते हैं, मतलब बढ़िया गेंदबाजी कर जाते हैं, किसी मैच में कोलिन डी ग्रैंड होम। तो इनकी जो गेंदबाजी है वो जबरदस्त चल रही है, लेकिन बल्लेबाजी की बात करें तो उस्मान खान को छोड़कर बाकी के जो बल्लेबाज हैं वो थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं, इतनी अच्छी इनकी बल्लेबाजी नहीं चल रही। दोस्तों अगर हम यहाँ पर सरे जगुआर्स की बात करें तो इन्होंने जो अभी तक 5 मैच खेला, 5 मैच में से 2 मैच जीता, 1 मैच हारे और 2 मैच नो रिजल्ट है, मतलब बारिश भी इनके मैचों में काफ़ी ज़्यादा आ रही है। तो इनके 6 पॉइंट्स हैं। अगर हम इनके खेमे में चेंजेस की बात करें, मे बी एलेक्सेल्स का ये लास्ट मैच हो या क्या पता इसी मैच से चला जाए, क्योंकि द हंड्रेड स्टार्ट हो रही है तो भैया अपने घर की लीग खेलेगा या फिर कनाडा की लीग खेलेगा। अगर हम इनकी ओपनिंग जोड़ी की बात करें तो पिछले मैच में एलेक्स हेल्स ने बढ़िया पारी खेली, बस पिछले मैच में, उससे पहले सभी मैचों में फ्लॉप रहे। और इस बारी इनका साथ देने आया था जतिंदर सिंह। जतिंदर सिंह की बात करते ये बढ़िया बल्लेबाजी करें, पहले जब ओपन नहीं करते तब भी ठीक ठाक बल्लेबाजी कर रहे थे, पिछले मैच में जब ओपन करे तो तब भी इन्होंने बढ़िया बल्लेबाजी करी। तो मतलब पिछले मैच में जो इनकी ओपनिंग जोड़ी रही वो बढ़िया चली। और पिछले मैच में लिट्टन दास ने 3रे नंबर पर बल्लेबाजी करी, तो लिट्टन दास का भी बल्ला चला, बोले चलो मेरा भी बल्ला नहीं चल रहा था, 3रे नंबर पर खेले हमारा बल्ला चला। तो पिछले मैच में जो इनकी टॉप 3 बल्लेबाजी थी वो बढ़िया चली, उससे पहले जो इफ्तिकार अहमद थे जो कप्तान है इनके, बस वही बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे थे, बाकी सारे बल्लेबाज फ्लॉप हो जा रहे थे। लेकिन पिछले मैच में जिस तरह से टॉप 3 की बल्लेबाजी आई और इफ्तिकार का बल्ला पहले से चल रहा, तो इनके जो टॉप 4 बल्लेबाज हैं अगर इसी तरह की फॉर्म में रहते तो इनके लिए बढ़िया ही होने वाला है। बाकी इन चारों के अलावा एक मैच में डिलो हेलेंगर ने बढ़िया बल्लेबाजी की थी, बाकी जो और बल्लेबाज है ना वो उतनी ज़्यादा अच्छी बल्लेबाजी नहीं कर पा रहे। तो अगर हम बात करें यहाँ पे जो सरे जगुआर्स की टीम है, पिछला मैच हटा दिया जाए तो उससे पहले इनकी भी बल्लेबाजी बिल्कुल फ्लॉप चल रही थी, कप्तान इफ्तिकार अहमद को छोड़कर। लेकिन गेंदबाजी की बात करें तो इनकी भी गेंदबाजी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, जिसकी वजह से ये भी मैचेस जीत रहे। मैथ्यू फोर्ड की बात करें तो बॉलिंग ऑलराउंडर है, लेकिन बल्ले से अभी तक कुछ ना कर पाए, लेकिन मैथ्यू फोर्ड लगातार सभी मैचों में बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं, विकेट निकाल रहे हैं।
स्पॉन्सर जॉनसन की बात करते, ये भी दो तीन मैचों से खेले, सभी मैचों में बढ़िया गेंदबाजी करें, विकेट निकाले। संदीप लमिचन्ने की बात करें तो इन्होंने सभी मैचों में जबरदस्त गेंदबाजी करी। सबसे बड़ी बात, संदीप के सामने ना रन बनाना तो मुश्किल हो रहा है, लेकिन विकेट भी लेके जा रहे हैं, विकेट भी बल्लेबाज नहीं बचा पा रहे। ये जो प्रॉपर तीन गेंदबाज हैं इनके, ये तो बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं। इसके अलावा जो इनके ऑलराउंडर्स हैं ना, वो भी अपने गेंदबाजों को बढ़िया साथ दे रहे हैं, जैसे कि कप्तान इफ्तिकार अहमद, सभी मैचों में लगभग इन्होंने गेंदबाजी करी और विकेट भी चटकाए। एक दो ओवर लेकर आते हैं और एक आता दो विकेट निकाल के लेके चले जाते हैं। अयान खान ने एक मैच में बढ़िया गेंदबाजी कर दी, एक मैच में प्रगत सिंह ने बढ़िया गेंदबाजी कर दी, एक मैच में अम्मार खालिद ने बढ़िया गेंदबाजी कर दी। तो इससे होता क्या, इनके सात आठ गेंदबाजी के ऑप्शन बनते हैं, तो एक आता दो गेंदबाज अगर महंगा भी होता है तो जो इनके ऑलराउंडर आते हैं वो बढ़िया गेंदबाजी करके भरपाई कर देते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें जो सरे जगवास की टीम है, इनकी भी थोड़ा सा बल्लेबाजी पिछले मैच को हटा दिया जाए तो लड़खड़ा के चल रही थी, लेकिन गेंदबाजी इनकी भी काफ़ी ज़्यादा जबरदस्त है। अगर हम यहाँ पे दोनों टीमों का कंपेरिजन करें ना, तो दोनों टीमें एक जैसी ही नज़र आ रही हैं। दोनों टीमों की जो बल्लेबाजी है वो थोड़ा सा आउट ऑफ फॉर्म चल रही है, लेकिन गेंदबाजी की बात करें दोनों टीमों की जो गेंदबाजी वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक चल रही है। तो आज के मैच में क्या होगा, चलो अब हम ना ये जानते हैं। लेकिन उससे पहले यार भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको पता है ना मैं कोई हीरो या सेलिब्रिटी थोड़ी ना, मैं तो आपके बीच का रहने वाला आपका अपना भाई हूं। तो भाई का सपोर्ट जरूर करें, करना क्या, कुछ भी नहीं करना, बस चैनल को सब्सक्राइब करना, इतना तो कर सकते हैं ना। तो सारी एनालिसिस करने के बाद अगर हम इस मैच की बात करते हैं, जो मैच है ना वो 50-50 ब्रैम्पटन वॉल्स एंड 50 सरे जगुआर्स। लेकिन मैं अपनी बात को तो मुझे ऐसा लगता है जो मैच है ना सरे जगुआर्स अपने नाम पर कर सकता है, लेकिन मैं आपको बोलूंगा मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए। क्यों, क्योंकि आपको पता है ना इस मैच की जो फाइनल प्रेडिक्शन है वो टेलीग्राम पे मिलेगी। और आपको ये भी पता है ग्लोबल T20 कनाडा के अलावा लंका प्रीमियर लीग स्टार्ट हो चुकी है, द 100 मैन एंड वुमेन्स दोनों कंपटीशन लीग स्टार्ट हो चुकी है। तो इन सभी मैचों की जबरदस्त वाली प्रेडिक्शन कहां पे मिलेगी, मेरे टेलीग्राम पे मिलेगी, तो जरूर ज्वाइन करें। बस एक चीज का ध्यान दें, फेक से बचें, क्योंकि मेरे नाम पे बहुत ही नकली टेलीग्राम चैनल बना लिए गए, इसलिए इधर उधर और कैसे ज्वाइन नहीं करना। जो लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, जो कमेंट बॉक्स में पहला कमेंट है वहां पर जो लिंक मिलेगी, बस वहीं से ज्वाइन करें। तो आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दो यार, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर दो सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले मैच की प्रेडिक्शन के साथ, तब तक के लिए God bless you.